नहीं सर वो आगे ना बैठ जाना है ना भले बैठना सर लेटर वायरल हो रहा है जी लेटर वायरल हो रहा है कि कांग्रेस में आपने रिजाइन दिया है जी सच्चाई है क्या कारण ऐसे रहे हैं सर कई कारण हैं अभी भाजपा ज्वाइन करने की कुछ इस तरह की बातें चल रही हैं कार्यशैली से मैं थोड़ा खिन्न था वर्किंग से और दूसरे जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने देश को पिछले कुछ वर्षों में ऊपर उठाया और जिन मुद्दों के लिए हम लोग बचपन से लड़ाई लड़ते रहे जैसे राम जन्मभूमि का मुद्दा था 370 का मुद्दा था इन सब मुद्दों को लेकर के हम सड़कों में उतरते रहे उन सब मुद्दों का जिस तरीके से समाधान किया है और आतंकवाद के खिलाफ जिस मजबूती से उन्होंने लड़ाई लड़ी और आज पिछले कुछ महीनों से या सालों से हम देख रहे हैं कोई विस्फोट तक नहीं हो रहा है इसमें और पहले ही विस्फोट करने से पहले उनको पकड़ा गया है जिस तरीके की कार्यकुशलता इस मामले में उन्होंने दिखाई आतंकवाद के खिलाफ नक्सलवाद के खिलाफ देश को जिस मजबूती के साथ देश और अंतर्राष्ट्रीय जगत में खड़ा किया है वो सब हर भारतीय के लिए स्वाभिमान का विषय है मैं भी उन मुद्दों के साथ जुड़ा हुआ रहा हूँ तो मुझे भी वो सारे विषय ऐसे लगते हैं कि भाई उनके हाथ मजबूत करने चाहिए सर क्या लगता अब आप कांग्रेस छोड़ी है क्या इसका नुकसान होगा या आपको फ़ायदा होगा देखिए व्यक्तिगत नफे नुकसान से तो मैंने पहले ही कहा कि मैंने राष्ट्रीय स्तर पर जो स्थिति का वर्णन आपको किया उन मुद्दों को ध्यान के रख करके हम निर्णय करें व्यक्तिगत मुझे हो सकता है मुझे लगे कि मैं टिकट लेता मैं वहाँ से विधायक हो जाता ये हो जाता वो हो जाता तो इतनी छोटी चीज़ों में मैं इनमें नहीं जा रहा मैं समझता हूँ ये इस समय देश की एक आवाज़ है उसके साथ हम मिल के चलना चाहिए।